सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में सीएम की पसंद के तौर पर योगी अखिलेश में गैप घटा। योगी को सीएम चाहने वाले अब भी 42%, अखिलेश का ग्राफ 1% बढ़ा। दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। उपराष्ट्रपति के निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे दोनों। कांग्रेस ने साधा निशाना, नई सपा में सा का मतलब संघवाद है। यूपी में निषाद पार्टी की नाराजगी का असर। योगी सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी, मझवार जाति को उपनाम के आधार पर अनुसूचित जाति में शामिल करने का अनुरोध किया। यूपी के जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर जोरदार प्रहार, बोले छोटी सोच वाले कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। पिछली सरकारें केवल परिवार तक ही सोचती थी। जौनपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी के सीएम योगी की तारीफ की, कहा गुंडागर्दी खत्म करने, मां बहनों की सुरक्षा और रोजगार पर जोरदार काम हुआ, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अलीगढ़ से जनविश्वास यात्रा की शुरुआत की, यात्रा से पहले रोड शो किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव राजेश दीक्षित बीजेपी में शामिल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलाई सदस्यता। मथुरा में श्रीकृष्ण के भव्य मंदिर के निर्माण के समर्थन में उतरी बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, कहा काशी विश्वनाथ की तर्ज पर मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जैसा काशी में अच्छा कॉरिडोर बनाया है। मिर्जापुर में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर बोला हमला, कहा ये नाथ संप्रदाय के हैं, जो ब्राह्मण टीका लगाता है और चोटी रखता है ये उसके विरोधी हैं और ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष राम बाबू हरित का विवादित बयान, बोले सवर्ण SC ST एक्ट समेत सरकार की तमाम योजनाओं का दुरुपयोग करते हैं, मैंने कई सवर्णों पर कार्रवाई कराई है और आगे भी कराऊंगा। पीलीभीत में आयोजित बांसुरी महोत्सव पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने उठाए सवाल, कहा व्यापार मंडल संगठनों से लिए गए 1-1 लाख रुपए वापस कराने के लिए डीएम को लिखूंगा चिट्ठी। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कल भी जारी रहा आयकर विभाग का छापा। लखनऊ के गोमती नगर में अखिलेश के करीबी जैनेन्द्र यादव नीटू के यहां हुई छापेमारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का चंडीगढ़ को लेकर बड़ा दावा, कहा पंजाब को दिया जा सकता है चंडीगढ़, अभी हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। बीजेपी सांसद रमेश बिढ़ूनी का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, बोले काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, केजरीवाल जहां जाते हैं झूठ बोलने लगते हैं। केजरीवाल जी अर्बन नक्सलाइट हैं, वो अफवाहों पे बातें करते हैं और अफवाह फैलाते हैं, और काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, वो दिल्ली में तुम्हारी काठ की हांडी चढ़ गई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल को भटकी हुई आत्मा बताया, कहा वो लोगों को गुमराह करते हैं। पंजाब चुनाव प्रचार में प्रकाश सिंह बादल की एंट्री, मुक्तसर साहिब में अकाली दल के प्रचार में रही शामिल, बोले सेहत ठीक रही तो प्रचार में उतरूंगा। पंजाब में सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त में बीजेपी से गठबंधन पर रार, बगावत के आसार बने, आज की बैठक में फैसला होगा। कर्ज माफी की मांग को लेकर पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का रेल रोको आंदोलन, चंडी सरकार की बड़ी मुश्किलें, 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई। पंजाब में स्वर्ण मंदिर में बेअदबी के मामले के बाद डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, बेअदबी के मामलों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान करने की मांग की, 2018 से लंबित है बिल। पंजाब में एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कपूरथला मामले में गिरफ्तार ग्रंथी को रिहा करने की मांग की है, तो वहीं बेअदबी के मामलों की जांच के लिए एसजीपीसी बनाएगी 2 सदस्यीय कमेटी। वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने वाला चुनाव सुधार बिल लोकसभा से हुआ पास, विपक्ष ने किया जबरदस्त विरोध।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने वाले बिल का विरोध किया, कहा इससे नागरिकों की निजता का हनन होगा। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही कल विपक्ष का जोरदार हंगामा, राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। निलंबन के मुद्दे पर राज्यसभा में एसपी सांसद जया बच्चन भड़की, बीजेपी सरकार पर किया हमला, बोली आपको श्राप देती हूं कि आपके बुरे दिन जल्दी आएंगे। आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। निलंबन को लेकर विपक्ष पर सरकार का पलटवार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्षी पार्टियां चर्चा से भाग रही हैं। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री टेनी के इस्तीफे की मांग पर हंगामा, खूनी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग के लगे नारे। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा, कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों ने मांगा इस्तीफा। अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर संसद में विपक्ष का विरोध, चुनाव सुधार बिल पर चर्चा के दौरान लहराए गए टेनी के विरोध में पोस्टर्स। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा हम जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं उसे सरकार उठाने नहीं देती। जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दे, सरकार करने नहीं देती। टेनी के इस्तीफे पर विपक्ष और सरकार के बीच घमासान, बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने कहा सरकार किसी को भी नहीं बचा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। उनके बेटे ने यदि कोई अपराध किया है, देश गलत काम किया है, तो उसकी जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या नाम है बनाई SIT जाँच कर रही है, गलती की होगी तो उनको दंड मिलेगा, लेकिन बेटे की सजा बाप को क्यों। दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने संसद का घेराव किया, टेनी का पुतला भी फूंका। टेनी के इस्तीफे पर संसद से सड़क तक संग्राम, संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त नारेबाजी, 5 दिन से गायब हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा। That means the narcotic drugs. दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग की बैठक हुई, सूत्रों के हवाले से खबर, जम्मू की 6 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा, जिस पर कश्मीर की पार्टियों ने विरोध दर्ज कराया। श्री महबूबा मुफ्ती जी हो या कांग्रेस के लोग हो, ये कभी कभी सच्चाई से और सत्यों और तथ्यों से दूर भागते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, आज भी अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे और बर्खास्तगी की मांग पर हंगामे के आसार। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने वाला बिल आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। लोकसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा प्रस्तावित, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ सकता है मुद्दा, पिछले कई दिन से हंगामे की वजह से नहीं हो पा रही चर्चा। 12 सांसदों के निलंबन का विरोध जारी, राज्यसभा के विपक्षी सांसद आज गांधी प्रतिमा के सामने देंगे धरना। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, आज दोपहर 12:30 बजे गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक निकालेंगे मार्च विपक्षी दल। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक, लंबित बिलों को पास कराने की रणनीति और हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही चलाने की चुनौती पर चर्चा संभव। प्रधानमंत्री मोदी का फिर मिशन यूपी, आज प्रयागराज का दौरा, महिलाओं को देंगे 1,000 करोड़ रुपए की सौगात, दोपहर 2 बजे के करीब रैली को भी करेंगे संबोधित। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपने गढ़ में भरेंगे हुंकार, मैनपुरी से एटा तक निकालेंगे विजय रथ यात्रा, कई जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का गोवा दौरा, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कोलकाता नगर निगम चुनाव की मतगणना आज होगी, रविवार को छिटपुट हिंसा के बीच 63% मतदान हुआ था।
भूपेंद्र पटेल के गुजरात का सीएम बनने के बाद पहला चुनाव राज्य की करीब 8686 ग्राम पंचायतों के आ जाएंगे नतीजे। 19 दिसंबर को हुए चुनाव में करीब 76% हुआ था मतदान। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।